सर, मैंने गांधी से सीखा है। गांधी ने कहीं लिखा, मैंने किसी आर्टिकल में पढ़ा कि मेरा अंतिम विचार आधारभूत है। मेरा 10 वर्ष पहले क्या मानना था उसके आधार पर मेरा वर्तमान में मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपकी विचारधारा में ऐसा कभी परिवर्तन हुआ कि आप 20 साल पहले, 10 साल पहले या 5 साल पहले कुछ और मानते थे और अब मैं उस बात पर कुछ और मानता हूँ? क्या ऐसा आपके भीतर कभी ये दुविधा हुई? बहुत चीज़ों में बदलाव तो होता है, सीखते हैं। मैंने खुद पर्यावरण के सवाल पे मैं ज़्यादा जागरूक नहीं था, और मेरी पत्नी इस पर बहुत जागरूक रही हैं। वो कहती थी मैं बहुत गंभीरता से नहीं लेता था, लेकिन अब मुझे लगता है वो सही थी और उसे सीखना चाहिए। जो कई मायनों में मुझे लगता है ये जो दोनों अति थी, जब हम यूनिवर्सिटी के दिनों में पढ़ा करते थे तो जाति के सवाल पे और क्लास के सवाल पे दोनों पे बात होती थी। मैं चूंकि JNU में पढ़ता था, उस जमाने में सिर्फ क्लास की बात हुआ करती थी, वर्ग की। लेकिन उस जमाने में मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा अति करते हैं लोग सोचने में। आज मुझे लगता है कि, और आज शायद स्थिति बदली है उस वजह से भी, कि वो बात काफ़ी सही थी। जाति के सवाल पे आज मैं पहले से ज़्यादा सजग होके सोचता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ मेरा जो बचपन था, जो इलाका था, वहाँ जाति का ज़्यादा मामला था नहीं। शायद उसकी वजह ये भी रही हो कि मेरा परिवार चूंकि वहाँ की किसी मुख्य जाति से जुड़ा हुआ नहीं था, और जिस तरह का इलाका था वहाँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अब जब मैं बाहर आके देखता हूँ तो मैं जाति के सवाल पे ज़्यादा केयरफुली सोचता हूँ, जितना मैं पहले नहीं सोचता था। मेरा जो बड़ा होते वक्त संस्कार था, उसमें चूंकि उस जमाने में कांग्रेस सत्ता में थी और कांग्रेस जो सत्ता में होता है उसकी सारी बुराइयाँ दिखाई देती हैं, तो हम उसको बहुत जम के आलोचना करते थे, कांग्रेस की और इंदिरा गांधी की। और उसके साथ में चलते चलते नेहरू के बारे में भी मेरे मन में बहुत बहुत प्रशंसा का भाव नहीं था। उनका कुल मिला के मैं काफ़ी आलोचक था। नेहरू के बारे में मेरी दृष्टि बदली। नेहरू के बारे में अब मुझे लगता है कि नहीं, वो व्यक्ति मेरी नेहरू के बारे में एक मोटी छवि ये थी कि बहुत अंग्रेजदार आदमी है और भारतीय संस्कार बहुत गहरा इस व्यक्ति में नहीं है, और जो कुछ उन्होंने देश के लिए जो मॉडल बनाया, शहरी औद्योगिकरण का मॉडल, जो कि भारत के लिए बिल्कुल सूट नहीं करता, मैं चौधरी चरण सिंह के विचारों से ज़्यादा सहमत हुआ करता था। अब मैं देखता हूँ और जिस तरह की चीज़ें पिछले 5-10 साल से हो रही हैं, तो मुझे नेहरू में कई गुण नज़र आते हैं जिसके बारे में मैं उतना केयरफुल पहले नहीं था सोचने में, क्योंकि मेरा जो संस्कार था वो लोहियावादी समाजवादी संस्कार था, तो उस समाज संस्कार की वजह से पूर्वाग्रह बनते हैं काफ़ी सारे, तो उसमें काफ़ी कुछ सीखा, उसमें काफ़ी कुछ बदलाव हुआ, तो ये सीख तो चलती रहती है। कांग्रेस का किसी ज़माने में बड़ा तीव्रता से विरोध किया, अब भारत जोड़ो यात्रा के साथ चले पूरा देश आपने, उसमें तो कांग्रेस बदली है ना, और अनुभव क्या रहा इस यात्रा का? देखिए, ऐसा नहीं कि कांग्रेस के बारे में मेरी दृष्टि को बदल गई बुनियादी रूप से। इस देश में आज़ादी से पहले कांग्रेस ही इस देश का आज़ादी का आंदोलन था, उसके बारे में कैसे आप आलोचना कर सकते हो? सत्ता में आने के बाद कांग्रेस का बेहद पतन हुआ, ये सच्चाई है। इमरजेंसी इस देश के इतिहास में एक काला धब्बा है, ये एक सच्चाई है। 1984 में जो हुआ उससे हर भारतीय का सर शर्म से झुकना चाहिए, ये एक सच्चाई है। उसके बारे में मेरे विचार बदले? कतई नहीं बदले। इमरजेंसी का विरोध करना सही था, बिल्कुल सही था, मगर आज की जो स्थिति है देश की, आज सत्ता बदल गई है, आज देश का ऑप्रेसर, आज लोकतंत्र का गला घोंटने वाला कांग्रेस के लोग नहीं है, आज देश का लोकतंत्र घोंटने वाला का गला घोंटने वाला कोई दूसरा है। और अगर मैं अपने अतीत से चिपका रहूं, नहीं 25 साल पहले 50 साल पहले मैं तो इसका विरोध किया करता था, अब तो इसी का करूंगा, उससे बड़ी मूर्खता की बात क्या होगी, है ना? तो हालात बदले हैं देश के, और खुद कांग्रेस का चरित्र कुछ मायनों में बदला है।
कांग्रेस ने जो 2019 का चुनाव लड़ा, जिस तरीके से लड़ा, इतना गुस्सा था मेरे मन में कि तुम देश के भविष्य का फैसला इस चुनाव से होने वाला, जो कि हुआ है, और उस चुनाव में वॉकओवर दे रहे हो उनको। तो मैंने तो बिल्कुल वो था जैसे कहते हैं कि मतलब चुल्लू बरपानी में डूब मरो, क्या कर रहे हो। आपने लिखा मैंने कहा कांग्रेस मस्त आए कि चुल्लू बरपानी में डूब मरो, क्या वो किया है तुमने। आज अगर कांग्रेस, उसके चार साल बाद कांग्रेस अगर देश में यात्रा निकालती है, अगर राहुल गांधी पैदल चलता है उन चीजों के लिए जो मैं चाहता था कि वो चले, तो फिर मैं विरोध करूं कि भाई 3 साल पहले नहीं चले, आज क्यों चल रहे हो, मूर्खता की बात होगी। जब उन्होंने किया है तो बिल्कुल वही नहीं, जो करेगा उसका साथ देंगे आज।